विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी सरगर्मियां पूरी तेजी से हो गई हैं। इसी के चलते अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का चुनावी गणित इस बार होने वाले चुनावों के लिए शुभ माना जा रहा है। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव की तिथि घोषित होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 9 का अंक उनके लिए हमेशा शुभ रहा है और इस बार भी संयोगवश 9 नवंबर को चुनाव तय है और मतगणना भी 18 दिसंबर को है, जिसका अंक भी 9 बनता है। उन्होंने कहा कि 9 को प्रदेश में कमल खिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि ये प्राकृतिक संयोग की बात है कि संयोगवश 9 मेरे लिए शुभ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईश्वर की कृपा बनी रही और मतदाताओं का प्यार भी भरपूर मिला तो इस बार फिर से भाजपा नए रिकॉर्ड के साथ प्रदेश में सत्ता में आएगी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के लिए 9 अंक बहुत ही शुभ रहा है और यही कारण है कि धूमल के मोबाइल नंबर से लेकर गाड़ी के नंबर में भी 9 अंक बखूबी दिखता है। साथ ही कोई भी शुभ काम करने के लिए धूमल 9 नंबर 9 तारीख का इंतजार करते हैं। वहीं कुछ महापूर्व भोरंज उपचुनाव में भी 9 तारीख शुभ मानी गई थी और बीजेपी चुनाव जीती थी। इस कारण नवंबर 9 को होने वाले चुनाव से लेकर दिसंबर 18 को निकलने वाले नतीजों का जोड़ 9 बनने पर धूमल ने खुशी जाहिर की और इसे एक शुभ संकेत करार दिया। ये प्राकृतिक संयोग है, हम इसका स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हिमाचल के मतदाता अपना आशीर्वाद भगवान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दें ताकि प्रदेश को सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, सबसे ऊपर वाला प्रदेश हम बना सकें, इसका विकास कर सकें।